नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल के सुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर की ओर, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास, महत्व और यहाँ की प्रमुख धार्मिक गतिविधियों के बारे में। नेपाल के सप्तरी जिले में स्थित कंकाली मंदिर एक प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवती कंकालिनी को समर्पित है, जिन्हें माता दुर्गा का एक रूप माना जाता है। ये मंदिर कोसी बैरे से 4.5 किलोमीटर पश्चिम में है। वही अगर आप राजबिरा से जाते हैं तो 19 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। अगर आप जनकपुर धाम से वहां पहुंचते हैं तो 136 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए आप कोई भी सवारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नेपाल के पूर्व पश्चिम हाईवे से सटे उत्तर की ओर मिल जाएगा। खैर, आप किसी भी सवारी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इसकी स्थापना का इतिहास सदियों पुराना है। तकरीबन 200 साल पहले भारदह से सटे एक गांव बैरवा के पंडित बीरतावाल उद्यानंद को भगवती ने स्वप्न दिया था और कहा कि मैं भारदह गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर हूँ, उत्खनन करके एक स्थान बनाकर मुझे स्थापित कर, मैं तुम्हारी वंश की रक्षा करूंगी। सपना देखने के अगले ही दिन उस मूर्ति को निकाला गया। बीरतावाल उद्यानंद ने उस स्थान पर मंदिर बनाना चाहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही उस वक्त का नेपाल का राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने भगवती का नित्य दिन का पूजा पाठ का व्यवस्था मिलाया और साथ में 10 बीघा जमीन भी प्रदान किया। किंतु वो मंदिर कोसी नदी के बाढ़ के चपेट में आने के बाद स्थानीय लोगों ने गांव में ही लाकर एक साधारण सा फूस के घर में ही इस मूर्ति को स्थापित कर पूजा पाठ करने लगे। बाद में हाल के स्थान में सन 1972 में मूर्ति को लाया गया। उस समय भारत के तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने इस मंदिर में आकर मन्नत मांगा था। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर का निर्माण शिखर शैली में करवाया था। बाद में वो मंदिर जीर्ण होने के बाद फिर से स्थानीय लोगों की सक्रियता में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों व भक्तजनों के सहयोग से पैगोड़ा शैली में भव्य एवं आकर्षक मंदिर को बनवाया गया। अभी का नए मंदिर में सन 2012 जून को मूर्ति स्थापित की गई है। अभी इस मंदिर का आकर्षण पूर्व पश्चिम हाईवे से गुजरने वाले हर एक को मोहित कर लेती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में माता कंकालिनी की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए इस मंदिर के सामने से गुजरने वाले बिना सिर झुकाए आगे नहीं बढ़ते हैं। कंकालिनी मंदिर में हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, विशेषकर नवरात्रि के समय। इस दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन दूर दूर से यहाँ आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कंकालिनी मंदिर में साल भर विभिन्न त्योहार और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि, दशहरा और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। कंकालिनी मंदिर मनोकामनाएं पूरी होने वाले शक्ति पीठों में से एक पीठ के रूप में जाने जाने के कारण यहाँ पर नेपाल और भारत के श्रद्धालु भक्तजन भेड़, बकरा, कबूतर, हंस और भैंसों की बलि देते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ और जेवर भी इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में श्रद्धालु भक्तजनों का रोज भीड़ लगी रहती है। मंदिर के ठीक पीछे एक मनोरम तालाब भी है, जो मंदिर को सुंदरता को बढ़ाती है। तो दोस्तों, यह था नेपाल के कंकालिनी मंदिर का एक छोटा सा परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी धार्मिक स्थलों की जानकारी मिलती रहे।